देखिए अभिलाषा जी, ये राजनीतिक दलों के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है, उनको किसी के अपनी ब्रांडिंग की जरूरत पड़ रही है। या आप अगर चाहे जो भी दल रहे हो, प्रशांत किशोर का क्या, प्रशांत किशोर 2014 में भाजपा के थे जी, उसके बाद विधानसभा चुनाव में चले गए नीतीश कुमार के साथ, अब आ गए इनके साथ। तो प्रशांत किशोर का किसी राजनीति से, किसी दल से, किसी की नीतियों से, किसी से कमिटमेंट उनका नहीं है जी। उनका कमिटमेंट कल उन्होंने देखा, कल भाजपा को देखा, परसों जनता दल यू को देखा, आरजेडी को देखा, अब कांग्रेस को देख रहे हैं। तो ये कोई शुभ संकेत नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से ये जो है नेताओं का, जो हमारे नेता हैं वो अपने जनता से कटते जा रहे हैं। अगर वो जनता से जुड़े रहेंगे तो उनके सामने ये समस्या ना होती। अब सच बात ये है, और जो ब्रांडिंग हो रही है, ब्रांडिंग की परंपरा आज से नहीं है, हम तो अमेरिकन सिस्टम से ब्रांडिंग ले रहे हैं, लेकिन वो वहाँ इसलिए सफल हो जाती है, वहाँ कम से कम इतनी जातियों का विभाजन नहीं होता है, इतनी भाषाएं नहीं होती है, इस तरह से लोग नहीं, वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, इसलिए ये ब्रांडिंग वहाँ के लिए सूट करती है। हमारे इस देश में जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम है, विभिन्न जातियों में लोग बटे हैं, विभिन्न भाषाओं में लोग बटे हैं, वैसे में ये ब्रांडिंग कर पाना, अपनी ब्रांडिंग से किसी पार्टी को सत्ता दिला पाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि पीके एक नया नाम उभरे हैं, उन्होंने उनको देखा है, जैसे मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भाजपा की सफलता के पीछे ना तो पीके का हाथ था, ना बिहार में बिहार की सफलता के पीछे हाथ था, लेकिन श्रेय तो पीके को मिला ही, इसलिए उनके श्रेय से तो हम इनकार नहीं कर सकते। अब उनको नई चुनौती मिली है और नया श्रेय मैं उनका तभी समझूंगा जब इनको स्थापित कर देंगे, कांग्रेस को यहाँ सत्ता में स्थापित कर देंगे, तब मैं समझूंगा कि इस देश में ब्रांडिंग की बहुत जरूरत है और ब्रांडिंग से राजनीतिक दलों को सत्ता हासिल की जा सकती है। सुरेश जी, लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी जी भाजपा के सबसे बड़े ब्रांडिंग नेता थे।